सलामी बल्लेबाज के रूप में मिला चांस, आज दुनिया कर रही है हिटमैन को सलाम। टीम इंडिया के उपकप्तान हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा का करियर इन दिनों बुलंदियों पर है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम वनडे टेस्ट, वनडे T20 के कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन इस मामले में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई क्रिकेटर अगर चुनौती देता दिखता है तो वह रोहित शर्मा है। विराट के नाम से जो रिकॉर्ड बचे हुए हैं वो रोहित शर्मा के ही नाम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कई रिकॉर्ड में रोहित शर्मा विराट कोहली से काफी आगे है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा को इस मुकाम तक पहुंचने में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ही काफी बड़ा योगदान है जिसे भूला नहीं जा सकता। रोहित जब टीम इंडिया में शामिल हुए थे तब वो मध्य क्रम में खेला करते थे। वे लंबे समय तक नंबर 4, 5, 6 यहाँ तक कि नंबर 7 पर खेलते रहे, लेकिन रोहित की किस्मत ने पलटा तब खाया जब वो सलामी बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा ने जब अपना करियर शुरू किया था तब राहुल द्रविड़ टीम के कप्तान हुआ करते थे। पहले मैच में रोहित की बल्लेबाजी ही नहीं आई, दूसरे मैच में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई थी। इस मैच में उन्होंने 8 रन भी बनाए थे। इसके बाद रोहित लंबे समय तक मध्य क्रम में खेलते रहे। रोहित ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी। इसके बाद वो साल 2013 तक मध्य क्रम में ही खेलते रहे। इस दौरान भी रोहित ने कई बड़ी अच्छी पारियां खेली, लेकिन वे उस श्रेणी के बल्लेबाज नहीं बन पाए जिसके लिए वे जाने चाहिए। लेकिन तभी उनकी किस्मत में पलटा खाया, तब वे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज करने के लिए मैदान पर भेज दिया। इसके बाद तो रोहित को मन मांगी मुराद मिल गई। रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज अपना पहला वनडे मैच जनवरी 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। गौतम गंभीर के साथ वो पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ही मैच में 93 गेंदों पर 83 रन बना दिए थे। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का मारा था। इस मैच में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे। इस मैच के बाद वो सिलसिला चला जो अब तक जारी है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज जिस हिटमैन रोहित शर्मा को हम जानते हैं उसे बनाने में असल योगदान महेंद्र सिंह धोनी का था। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे मुकाबले के दौरान वनडे में 9000 रन बनाने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने यह उपलब्धि भारतीय पारी के पहले ओवर में 2 रन देकर पूरी की। रोहित ने 9000 रन तक पहुंचने के लिए 217 पारियां ली, जबकि उनके कप्तान विराट कोहली ने 194 पारियों में सबसे तेज 9000 रन बनाए हैं। वहीं एवी डिविलियर्स ने 208 पारियों में ऐसा किया है, इससे वह दूसरे स्थान पर हैं। आज की तारीख में रोहित शर्मा सबसे तेजी से 7000 वनडे रन बनाने वाले ओपनर बन गए हैं। रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर, हासिम अमला को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए दूसरे वनडे में 42 रन बनाए थे। इसी मैच में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था। रोहित शर्मा ने 7000 वनडे रन बनाने वाले चौथे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। अब स्थिति ऐसी है कि रोहित शर्मा अब भारत के लिए T20 वनडे टेस्ट मैच में भी ओपनिंग कर रहे हैं। जब से रोहित शर्मा ने टेस्ट में ओपनिंग करनी शुरू की है तब से उन्होंने भारत का एक सिरदर्द खत्म कर दिया है। वे टेस्ट में भी नए नए इतिहास गढ़ रहे हैं। अब रोहित शर्मा के लिए बड़ी चुनौती सामने है, जहां उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 3 वनडे मैच खेलने हैं। वहीं 2 टेस्ट मैच भी इस सीरीज में खेले जाएंगे। तो रोहित शर्मा इस बार भी सबकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, अपने सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।